आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत क्यूट चीज़ होने वाली है और हमारे दिल्ली में, ठीक है। अभी मैं आपको सुबह 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करी थी इतनी देर से। कितने दिन बोला मैंने तुमको, भारी मिस्टेक हो गया सर। 1300 रुपये नुकसान हो गया। तो मैंने कितने बार बोला ऊपर लगा दो, इसे ऊपर लगा दो, वहाँ लगा दो। नहीं, एक इंजीनियर आएगा वो फिट करेगा दीवार में चोवे। ये पता क्या करे, वो आएगा ड्रिल मशीन वाला आएगा। हैव यू लॉस्ट इट? वो वीडियो ना यहीं से स्टार्ट करना, ये जो जब इनने मारा था ना वहाँ से स्टार्ट करना। अब उठाओ, तोड़ दिया, तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। और ये तो सच में टूट गया। नया लाएंगे। मैंने पहले कहा था, मैंने कितनी बार बोला था ना, बहुत बार। नुकसान हो गया 1200 रुपये। एक ही वीडियो बनाया उस दिन के बाद से, एक ही वीडियो बना भाई। अगर तुम यहाँ लगा देते हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने सुबह लेग पीस खा लिया पूरा? मुझे तो मिला ही नहीं। आना कितनी टाइलर रेट है इसमें यार। आना ये सो क्यूट, सो क्यूट। क्या हो गया? बहुत नुकसान हो गया भाई साहब आपका। क्या ज्यादा महंगा तो नहीं था, 1000 रुपए का था बस। मैंने कई बार कही महंगे से ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो, सुनी ही नहीं मेरी बात अभी तक। जा रहे हैं और हमेशा आज छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, रिलीज। मुझे पता होता है ना, अपनी मुंड निकाल के तभी कोई ना कोई पकड़ लेता है इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माही गौतम व्लॉग्स। आगे बोलो माही जी। तो आज हम जा रहे हैं, अभी रात का टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है? सुबह का हो रहा है, 12:15 हो रहा है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं अपनी गाड़ी से मनाली। तो हम सब लोग जा रहे हैं, हमारे बैग ऑलरेडी गाड़ी में पहुंच चुके हैं। हम बस सब बोलेंगे आना क्यों नहीं जा रही? अच्छा आप नहीं जा रही क्या? अकेले रहोगे घर पे? मैं रही। आपके सारे फ्रेंड्स सब पूछेंगे यार आहाना कहाँ है, आहाना कहाँ है, आहाना नहीं जा रही क्या? तो निकलते हैं गाइस, सही है। चलो भाई अब हम रेडी हो चुके हैं, आ गए बाहर निकल के। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, सब पर जय माता की। जो पिकअप नहीं मेरी गाड़ी का जम्मा। बी केयरफुल यार प्लीज। देखो कैसे रॉकेट की तरह जा रहा है। अगर थार होती तो बिल्कुल भी ना पकड़ पाते आप। वो 100 से ऊपर अगर हमारी थार होती तो भी नहीं पकड़ पाते हम। दीदी थार चलती है हाँ, स्पीड में भागने में। अगर स्कॉर्पियो होती तो पकड़ लेती यार, वो भी नहीं पकड़ पाती भाई। वो में लिख रहा है तू कर दिया हमने। जट्टा जट्टा निकाल दी पीछे है, आ रहा है वो जट्टा जट्टा। कल जट्टा के करेंगे आंदोलन ही करियो यार, रेस मत लगाइयो, जाट जीतेंगे। वो गाड़ी नहीं नहीं वो बेटा, वो बहुत पीछे छोड़ दी हमने तो पीछे नहीं। हां ना हम जीत गए। आगे वो रॉकेट बनता हुआ आ रहा है। ओए हां, अरे आ रहा है, पीछे आ रहा है, तेज आ रहा है, तेज बहुत ही तेज आ रहा है मेरे। इतनी का है तो गाइस कुरुक्षेत्र आ गए हैं, पहला ब्रेक हमारा। और अराउंड हमारे यहाँ से पड़ता है 150, तो 150 किलोमीटर आ गए, 160 किलोमीटर के आसपास आ गए। ये सब थक गए और ये गांधी जी का चरखा चल रहा है। थीम अच्छी है ना इस रेस्टोरेंट की। बैकग्राउंड में खाते हैं। 2 घंटे में हमने इतना ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया, 220 कवर कर लिया। हाँ 220 500 कवर कर लिया। एक्चुअली मैंने फ्रंट कैमरा कर दिया था। ओह शिट, सही में नहीं होगा ही नहीं ना आईफोन में। नहीं लगे क्या फिर? अच्छा कर लो। हम यहाँ पे इंजॉय करें और हम बहुत इंजॉय करें। अभी के लिए हम खाना खाएंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे। सुबह के 5:14 हो गए और अभी 229 किलोमीटर पेंडिंग है, मतलब 300 किलोमीटर हम आ गए। पीछे माई जग रही है, अभी उठी है, सो चुकी 2 घंटे। पुष्पेंद्र सो रहा है और हाना जगी हुई है, मुरा जगा हुआ है। और हमारा वो टर्टल का है नीचे। टर्टल नीचे, उसको बाद में दिखाएंगे। उसके हमने थोड़े से वो लिए, क्या लिया है हमने, टाइम लैप्स, क्या बोलते हैं टाइम लैप्स, तो वो शूट भी डाल देंगे। बढ़िया है। और अभी आपको सामने का व्यू दिखाते हैं। बढ़िया हो रहा है आसमान। तो गाइस हम लोग रात को चले थे, आपको बताया था हमने, और हमने काफ़ी अच्छा जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है। और सिर्फ तीन घंटे में तो नहीं, कितने घंटे में, 5 घंटे लगे हैं, लेकिन हम उतने ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं हुई बिल्कुल भी। और दूसरी बार ट्रैफिक भी नहीं था, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग आ गए और अभी बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का जैसा लग रहा है, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है। उम्मीद है होगी तो हम नहीं, और हम कपड़े भी नहीं लाए वो वाले, अभी देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज़ मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। हम डेट बता देते हैं हमको, आपको सबसे ऊपर मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। अभी यहाँ पे रुके हैं, वो दोनों वॉशरूम है नहीं बोले रहे। तो और ये इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू है, तो नहीं गिर सकते। ओह माय गॉड, क्या कह दिया ना। म्यूजिक पालना है मुझे, अभी आपकी लाइफस्टाइल बनानी है, इसलिए नहीं गिर सकती मैं। मुझे अभी आपकी लाइफस्टाइल बनानी है। मुझे ये व्यू काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने बोला ठीक है मयंक से रुक जाओ, 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे व्यू आएंगे। और यहाँ ट्रैफिक बहुत है, क्या ही करो, ट्रैफिक नहीं है मतलब ये ट्रक। और जो लास्ट वीडियो में था वो हम डिस्कस करेंगे अपने होटल जाके। क्या कर लिया आपने? कर लो कर लो कर लो। पानी भी है इसमें। सामने वाला यार देखियो, अरे गोल्फ कोर्स। लेकिन नीचे जाएंगे ना तो ऐसे ही गंदगी दिखेगी। दूर से दूर के लोग आने लगे। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby can take. हमने सोचा था पैसे बचाएंगे पैसे तो नहीं बच रहे और महंगा ही पड़ रहा है। एडवेंचर के चक्कर में कैसे बचाएंगे कैसे, हमने सोचा खुद बनाएंगे, खुद खरीदेंगे, खुद बनाएंगे। ओ वाह, वो तो बीच जैसा लग रहा है ना वो वाला, वो नहीं होता गोवा में जो पेड़ होते हैं नारियल के पेड़, क्या लुक है यार ये, है ना ब्यूटीफुल। बना तो सकते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। क्या हुआ, ठंड लगा है? हाँ है ठंड, गर्म पानी है भाई। गाइज अगर आप लोग जून के महीने में आ रहे हो यहाँ पे मनाली में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ठंड है, और ठंड कितनी है कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े आपको चाहिए ही चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि हमारा गुरु तो ये था। ठंड नहीं है देखो, ठीक है, तो कुछ ऐसे गुरुओं से, महागुरुओं से बच के रहे, उधर देखो उसे पूरा, और अपने कपड़े लेके आए, उसे पूरा करेंगे उसे। तो गाइज अब चाय बनाने का अरेंजमेंट हो रहा है। एक चाय बनाने में तुम ना ही बत्तीस ही निकल गई। मम्मी मुझे भी दिखा दो, और मैं भी तो सो कर आई हूँ। अब पता चला कि ठंडा पानी है। ये छोड़ के आ गई, उसको वो लड़ रहा था मुझसे। तो जहाँ पे हम रुके हैं अभी, मैंने इसको बोला था कि चाय बनाने के लिए ना हम अलग से चूल्हा ले लेते हैं, उसने नहीं सुना। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल। अब बोला कि गाड़ी भी मैं चलाऊँ, काम भी मैं करूँ, तो बोलना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। ये देख रहे इस आदमी के अंदर कितनी हैवानियत भरी पड़ी है। पिछले 2 दिन से हम ये चाय बना रहे हैं, पर ये चाय नहीं बन रही है, और ये तीनों इसी चक्कर में पागल हो गए। ये तीनों एक दूसरे को मार रहे हैं। मयंक पुष्पेंद्र को मार रहा है, पुष्पेंद्र मयंक को मार रहा है, मयंक गजे को मार रहा है। ये सही था, 3 दिन से एक दूसरे को मार रहे हैं। ये चाय नहीं बनी पर 2 दिन से, तो हमारा ये प्लान फ्लॉप हो चुका है चाय बनाने का। हमें, हमारे पास गैस होना चाहिए था, या फिर छोटा वाला सिलेंडर। बहुत देर होगी, मनाली कब जाओगे, यहीं घूमने लगता हूं। चाय पीने दो ना, कैसी लगी? टाइम कम है हमारे पास। मजा आया चाय पीने में? देखो चाय पत्ती तो उसमें बहुत आ गई, साफ साफ दिख रही है हमें। चाय पत्ती तो आ गई, लेकिन वो नीचे चली गई ना दिमाग है। तो वाला पड़ा पहाड़ जो है ना भाई, वॉलपेपर भी फेल है। अरे क्या लगी आग, बता कहाँ? ओह शिट, जब हमें जलाएंगे जब तो जली ना। लो बेटा खाना, इनकी प्लेट तो यहीं वापस देके जानी पड़ेगी। बेटा खा लो, ये मैंने यहाँ रख दिया, खा लो प्लीज। तो भाई हम लेके आए हैं अपने कछुए को अपने साथ, और हमने इसको ही पानी में छोड़ा है, क्योंकि समहाउ कोई प्रॉब्लम आ गई है हमारी गाड़ी में, तो हम गाड़ी चेक करवा रहे हैं। गोलगप्पे खा लिए, चाय बना ली, सब कुछ कर लिया। यहीं पे हम इसको भी पानी में छोड़ा है। चला आगे बढ़ा, देखा देखा मेरी सुन ली ने। ओह ठीक है, अच्छा गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और ये ब्लॉग मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। प्लान बन रहा है, हम पहुंच चुके हैं 143 पे, और वो हमें मिले थे, वो हमारे जानने वाले ही हैं, तो हम उनके साथ करने वाले हैं, वो कराने वाले हैं। उनकी शॉप है यहाँ पे। जो भी डिटेल होगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी का ये ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, नए ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, सी यू सून।